नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर है, लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरी खबर है, पीएम मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले एमपी के खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी खबर है, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के दिन आज सीएम योगी सलेमपुर, बांसगांव और गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ रैली करेंगे, सलेमपुर, बांसगांव और गोरखपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। चौथी खबर है, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा और बसपा दोनों संयुक्त रूप से मिर्जापुर और चंदौली में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे, गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी।